सीधे सागर शर्मा की माताजी के पास जा रहा हूँ। माताजी, मुझे पता है कठिन समय है आपके लिए, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कहाँ पढ़ा सागर शर्मा, कहाँ स्कूल पढ़ा उन्होंने, कहाँ कॉलेज पढ़ा, कुछ बता पाएंगी माताजी? जी, ये लखनऊ में पढ़ा है। कौन से स्कूल गया माताजी? यहाँ सिंधी स्कूल है सामने, जहाँ रह रहे हैं रोड उस पर, वहाँ भी पढ़ा है। और कॉलेज में कितनी पढ़ाई? अरे, एक दो स्कूल है यहाँ पढ़ा है जी। और कॉलेज में कितनी पढ़ाई की? इंटर किया है सर। सिर्फ इंटर किया है, कॉलेज नहीं किया है? कॉलेज नहीं किया। तो उसके बाद क्या करता रहा, जितनी उम्र है उसके हिसाब से क्या करता रहा सागर अभी तक? वो ई रिक्शा चलाता है। अच्छा, ई रिक्शा चलाता है। तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का भी सपोर्टर था वो, किसी विचारधारा को मानता था? धरना प्रदर्शन का कह के गया था, तो किस बारे में धरना प्रदर्शन, कुछ बताया था उसने? अब ये सर हमको नहीं बताया है, अगर यही सब पता चलता तो ये सब ना होता। आप शॉक्ड हैं, आपको क्या लगता है? एकलौता बेटा है मेरा वो। जी, मैं आपकी ये सब करने ही ना देते हैं। आपकी भावनाएं समझ रहा हूं मैं, पर मुझे बताइए क्या चल रहा था उसके दिमाग में? कोई ऐसी चीज अनयूजुअल जो सामान्य नहीं हो आपने नोटिस की हो इस दौरान, जब उसने आपको बोला कि मैं धरने प्रदर्शन के लिए दोस्तों के साथ जा रहा हूँ? मोबाइल तो चलाता था गाड़ी चलाने के बाद, फिर अब हमको ये पता नहीं है कि क्या चल रहा है। अब सब बच्चे चलाते हैं मोबाइल, तो वो भी मोबाइल चला रहा था, हमने पूछा नहीं कभी कुछ ऐसा। मोबाइल चलाना मतलब मोबाइल पे बातचीत करना, सोशल मीडिया पर चैट करना, यही कह रही मोबाइल चलाने का मतलब? क्या बताएं आपको, तो मतलब कॉलेज वो नहीं पढ़ा किसी स्टूडेंट? जानकारी थी वो इतने देर से, काफी देर हो गई, हम सबको बता चुके हैं जो हमें जानकारी थी। छात्र राजनीति में रहा, चीज के लिए जानकारी नहीं है वो हम क्या बता? नहीं नहीं बिल्कुल मत बताइए। छात्र राजनीति में रहा माता जी का भी? कहाँ गिर माता जी हैं आरोपी सागर शर्मा की। आरोपी सागर शर्मा वो शख्स है जो कूद गया वहां पर और जिसने संसद के अंदर स्मोक क्रैकर का इस्तेमाल किया। माता बहन जी, आपसे जानना चाहता हूँ, कभी किसी राजनीतिक रैली में गया हो, कार्यक्रम में गया हो? जाता था मोहल्ले में, जैसे है कोई ऐसे ही मोहल्ले के जानने वाले उनके साथ गया होगा कभी, चुनाव उनाव पड़ता है जब तभी गया होगा, ऐसे नहीं जाता है कभी। किसी पार्टी को सपोर्ट करता था, बीजेपी, बीएसपी या समाजवादी? नहीं, किसी? नहीं नहीं नहीं। कभी आपने उस आपसे आपने उससे बात की होगी देश में क्या चल रहा है, क्या समस्या है देश की, इस तरह से किसी बात पे गुस्सा हुआ हो, वो नाराजगी जताई हो? नहीं, इस मामले में कोई बात ही नहीं की उसने। कभी नहीं बोलता था? टीवी न्यूज वगैरह देखता था माता जी, अखबार पढ़ता था? नहीं, अखबार नहीं पढ़ता था वो, मोबाइल में ही जो देखता था वही देखता था, टीवी भी कम देखता था वो। नहीं, टीवी तो आजकल मोबाइल पे आ गया ना माता जी। अब माता जी मुझे ये भी बताइए कि आप इंटर? तो मोबाइल देखता था ज्यादा, टीवी भी नहीं देखता था। अच्छा, इंटर उसने पास किया तो कितने साल पहले इंटर पास किया था माता जी? हो गया होगा कम से कम 5-6 साल तो हो ही गए। 5-6 साल हो गए और तब से ई रिक्शा ही चला रहा था वो? तो धरने प्रदर्शनों के लिए बाहर जाता रहता था माता जी? नहीं नहीं, पहली बार ऐसा, पहली बार गया है इसके लिए। पहली बार गया और कभी नहीं गया। तो क्या उसके पास इतने पैसे थे कि गुड़गांव में एक जगह पे रुक जाए? इसके बारे में तो हमको आज ही जानकारी मिली है कि उसके पास इतने पैसे थे कि दिल्ली से गुड़गांव चला जाए, गुड़गांव में एक जगह पे रुक जाए, उस जगह पे रुकने के बाद 6 और लोगों से मिले जो देश के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, इसके पीछे माता जी क्या लग रहा है आपको? एक मैसूर का है। अब हम क्या बताएं, हम खुद ही बहुत चक्के हैं और हम खुद ही पेशेंट हैं, 2-2 बार ऑपरेशन हुआ है मेरा, हम खुद ही शॉर्ट सा लग रहा है हमको खुद ही ये सब देख के इतना। सागर के पिताजी क्या है मैडम वो माता जी, वो क्या करते हैं सागर के पिताजी? वो कारपेंटर हैं।
और लखनऊ में ही काम करते हो? लकड़ी का काम करते हैं। अच्छा अच्छा, तो दुकान है कि डेली वेजेस पे काम करते हैं वो? दुकान नहीं है, वैसे घरों में करते हैं। अच्छा, घरों में करते हैं। तो हाँ, आपको कभी याद है सागर वोट डालने जाता था, किसी के बारे में कुछ कहता था, कुछ बताता था, नेताओं के बारे में कभी कोई बातचीत, मुख्यमंत्री के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में, पूर्व प्रधानमंत्री के बारे में, ऐसी कोई बातचीत याद है सागर की आपको? हाँ याद है, कुछ कभी कभी बोलता था, कुछ बातें ऐसी बोलता है कि कुछ बातें जैसे न्यूज दिखाते हैं तो बोलता है, मम्मी कोई कोई बातें देखी हुई भी सच नहीं होती हैं, कभी कभी दिखाते कुछ है, होता कुछ है, ऐसा ऐसा कभी कभी बोलता था, ध्यान में आता है मेरे। कभी नाराज रहा हो बहुत व्यवस्था से? बात कर लेता था हमसे। कभी माता जी नाराज रहा हो, किसी बात पे नाराज हो गया हो, कोई आपको वाक्या याद आए जिस पे वो नाराज हो गया? तुम ये सब बातों पे विश्वास न किया करो। किस तरह की बातों पे विश्वास न करो? सच्ची होता है। किस बात के संदर्भ में बोला था माता जी, बताइए मुझे, आराम से सोच के बताइए, बहुत टाइम है हमारे पास। हाँ आपके पास तो टाइम है, मगर हमारे तो घबराहट हो रही है कि हम तो काफी देर से, कई लोग हमसे सवाल कर चुके हैं। मैंने, हमारा तो बेटा माता जी, तो आप बिल्कुल मत घबराइए, आप लोग तो बिल्कुल मत घबराइए। सागर शर्मा ने अगर किसी के बहकावे में किया है तो हम उस बात का पता लगाएंगे, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, हम हर उस आदमी के साथ था। नहीं उसको तो हम जानते हैं अपने बच्चों को कि कैसा है, मगर अब इतनी भीड़ देख के तो मुझे तो घबराहट होगी होगी जी, क्योंकि हमारे बेटे को नहीं कोई जानता ना अच्छे से, हम जानते हैं अपने बच्चों को कि तो मैं इसीलिए चाहता हूँ आप लोग नहीं जानते कि आप बताइए उसके बारे में, पूरा देश आपको सुन रहा है, आप एक इंटरनेशनल चैनल पे हैं माता जी, पूरी दुनिया आपको सुन रही है, जो जो बता सकती है बताइए, और काम आसान होगा इससे आपका। हाँ, आपकी बात पहुंचेगी, सरकार तक भी पहुंचेगी, बाकी लोगों तक भी पहुंचेगी। जी पहुंचेगी। तो हम जो आपसे बातचीत कर रहे हैं वो चीजों को आपके और आसान करने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यही सवाल जवाब आपसे बाद में भी होगा। हाँ जी जी, तो थोड़ा व्यवहार के बारे में बताइए उसका। व्यवहार उसका सही है, आजकल के जैसे बच्चे हैं, अपने आप में मस्त रहते हैं, किसी चीज से मतलब नहीं है, जिम्मेदारी वाला लड़का है वो हमारे घर का। जिम्मेदारी उठाता है घर की? जी। तो अभी तक शादी क्यों नहीं की माता जी? अगर सागर सागर काम से चलाता था वो जी, बोल रहा था रिक्शा ही चलाएंगे, नौकरी मम्मी ज्यादा ज्यादा 10,000 की या 12,000 की, इससे ज्यादा मिलती नहीं, इसमें पूरा होना नहीं है, तो रिक्शा ही चलाएंगे अपना। कभी कभी किसी छात्र राजनीति से? दूसरे का रिक्शा चला रहा था। अच्छा, किराए का रिक्शा था, उसका खुद का भी नहीं था? किराए का रिक्शा था, उसका खुद का भी नहीं? हाँ, नहीं खुद का नहीं। और कभी किसी छात्र राजनीति में गया हो, किसी पॉलिटिकल कैंपेन में गया हो? आपको का ही है रिक्शा भी जी। कभी कोई छात्र राजनीति में गया हो, कभी किसी इलेक्शन कैंपेन में गया हो, कभी किसी नेता को सुनने में गया हो? नहीं, वैसे जैसे सब लड़के जाते हैं चुनाव में, वैसे वैसे गया है वो। वोट दिया है उसने अभी तक माता जी? जी, वोट दिया है उसने? जी। आपकी पार्टी, आपका परिवार किसी पार्टी के समर्थन में है, या आप जो जैसा होता है उसको आप उसके क्रेडिबिलिटी के हिसाब से वोट देते हैं, उसकी स्वीकार्यता कितनी है, कितना बड़ा नेता, उसके हिसाब से वोट देते हैं? आप किसी पार्टी को फॉलो करते हैं माता जी? हम तो जो हमारी मदद करता तो हम तो उसी पार्टी के तरफ हैं, चाहे कोई भी हो। सागर को कभी लगता था कि नहीं उसको मदद नहीं मिली? इंसान है वो तो मदद के ही लिए, वो तो उसको जिससे मदद मिलेगी उसी के, हमें तो इस समय क्या, सरकार तो अपने ही फायदा देखती है, सरकार भी तो ऐसी है जो कहती है वो करती नहीं। अच्छा, अब ये बताइए आपको क्या लगता है उसने जो किया है वो सही है गलत है, आप क्या सोचती है माँ के तौर पे? अब
अब हमें तो अपने बेटे पे विश्वास है कि उसने तो गलत नहीं किया होगा, अब ये जो दिख रहा है यहाँ दिखा रहे हैं वो तो गलती की तरह लग रहा है, मगर पर ये कानूनन तो अपराध है ना माता जी, किया होगा उसने, कानूनन तो अपराध है ये। वो तो आप सही कह रहे हैं। तो क्या परिवार उसके लिए केस लड़ेगा नहीं लड़ेगा, क्या फैसला किया, या पति से विचार करने की बात बताएंगे आप? वो तो किस्मत है उसकी, उसने अगर गलत नहीं किया है तो फिर उसको कोई नहीं रख सकता है, कोई नहीं कैद कर सकता है उसको, अगर वो सही है तो उसको कोई कैद नहीं कर सकता है। नहीं पर मुझे आप बताइए, तो कोई बचा नहीं सकता है। तो आपको क्या लगता है, गलत है कानूनन तो गलत है ना माता जी? कानूनन है पर हम माँ है इसलिए हमें लगता है कि वो गलत नहीं है। माँ की भावनाएं मैं समझ सकता हूँ, ये मेरे पास ये जानकारी माता जी सही है कि 31 दिसंबर को उसका जन्मदिन है। तो माँ जहाँ पर हम हैं यहाँ पर भी कोई नहीं कह सकता है, जहाँ पर वो बचपन से बड़ा हुआ है, माँ के अलावा भी और कोई भी नहीं उसको कुछ कह सकता है कि बेटा ऐसा कुछ कर सकता है, क्योंकि कभी मोहल्ले में भी कभी दो आपस में कभी लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं हुआ उसका, कभी उसका समाज के प्रति सरकार के प्रति सिस्टम के प्रति कोई गुस्सा हो? हाँ वैसे गुस्सा हो सकती है, कोई आ गई हो, हमें तो इस बारे में जानकारी ही नहीं है कि इस बात की गुस्सा आके वो ऐसा करेगा। अच्छा मुझे बताइए 31 दिसंबर को उसका जन्मदिन था माता जी, कितना साल का पूरा हो रहा था? होगा हाँ 31 तारीख को जन्मदिन उसका आने वाला है। आपने कोई प्लान बनाए थे उसके लिए 31 दिसंबर के लिए? क्या करते हैं अपने इकलौते बेटे के जन्मदिन पर आप? अरे क्या बताएं, कुछ अपील करना चाहेंगी सागर को? सागर भी आपका मैसेज सब जगह देखा जा रहा है, पुलिस के अधिकारी भी सुन रहे हैं, बड़े अधिकारी भी सुन रहे हैं, मंत्री संतरी भी सुन रहे हैं, आपके बेटे तक भी आपकी आवाज पहुंचेगी, कुछ कहना चाहेंगी सागर को आप? हम कहना चाहते हैं कि मेरा बेटा निर्दोष है, वो ऐसा कुछ कर नहीं सकता है, दिख जो जरूर रहा होगा मगर उसका मकसद गलत नहीं होगा। नहीं नहीं मैं ये नहीं कह रहा हूं, हम कहेंगे एक माँ अपने बेटे को क्या कहना चाहेगी, सागर तक ये आवाज पहुंच रही है, आप सागर से क्या कहना चाहेंगे? आपको जो कहना है देश को वो तो आपने कह दिया, आप सागर को क्या कहना चाहेंगे इस वक्त? सागर को यही कहना चाहते हैं कि कुछ गलत काम ना करना बेटा, पर अब तो गलत काम कर दिया उसने। अब क्या कहें, अब किस वजह से किया है, अब वो पहले कभी उसने गलत किया नहीं है इसलिए मुझे विश्वास भी नहीं होता है कि बेटा मेरा ऐसा किया करे। आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई धरने प्रदर्शन में पुलिस केस नहीं, कभी नहीं, किसी से कभी कुछ हुआ ही नहीं है, और पढ़ाई भी इंटर तक, और लोगों से भी यहाँ सबने पूछा है, सबको जानकारी सबसे मिली हुई है कि मेरा बेटा कैसा है। कभी कोई नेता वेता को फॉलो करता हो किसी को? नहीं। अच्छा माता जी आखिरी सवाल, क्या उसके पास इतने पैसे थे कि वो लखनऊ से चले जाए गुड़गांव, गुड़गांव में 6 लोगों के साथ रहे, फिर एक पास बनवाए किसी सांसद से? आपके घर में कभी कोई किसी एमएलए से मिला है, कोई कभी सांसद से मिला है आपके घर में? गाड़ी चलाता था तो कुछ पैसे तो उसके पास होंगे ही, गाड़ी चलाता था कोटे पे तो उसके पास तो पैसे तो होंगे ही, नहीं खाली तो नहीं गया वो। ठीक है आप मान ली आपकी बात, आप किसी मतलब आपके परिवार से कोई पार्लियामेंट देखने जाए उसके लिए पास ले एक सांसद से, ऐसी जान पहचान है आप लोगों की? जी किसी सांसद विधायक से जान पहचान है आपकी यहाँ लखनऊ में? जी नहीं, गरीब आदमी की कहाँ जान पहचान होगी किसी से। ठीक है ठीक तो है, बड़े लोगों की ही जान पहचान हो सकती, गरीब आदमी की कहाँ जान पहचान होगी। ठीक है समझ सकता हूँ आपका दर्द, लेकिन सागर शर्मा अपनी माँ को सुन रहे हैं तो सागर शर्मा आपकी माँ आपको संदेश दे रही है कि बेटा कुछ गलत मत करना, ये अभी भी सागर शर्मा के लिए संदेश है कि बेटा कुछ गलत मत करना। फिलहाल एक ब्रेक, ब्रेक के बाद आएंगे प्रणय।